एग्जाम्पल्स हैं वो विच विच भी कर चुके हैं, पर अब सी हम थोड़ा जो उसमें डिटेल्स कर लेने हैं. दैट इज एपिमर्स की हैं, ओ स्टीरियोआइसोमर्स हैं दैट डिफर ओनली इन कॉन्फिगरेशन अबाउट वन कायरल सेंटर. मीन्स कि बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ एक दे अराउंड कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होती है, सिर्फ एक कार्बन दे अराउंड. मीन्स जिस तरीके ना साढ़े को एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो फर्स्ट सेकेंड कार्बन है, एंड इन मैनोज जो सेकेंड कार्बन है इस दे अराउंड साढ़े को कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है. सो दीज आर एपिमर्स. एंड एपिमर्स केड़ी एपिमर्स हैं, टू एपिमर्स हैं. मीन्स कि जिसकी कॉन्फिग्रेशन डिफरेंट है एट द सेकेंड कार्बन एटम, एपिमर्स एट सेकेंड कार्बन. सिमिलरली वी कैन हैव अदर एग्जाम्पल्स लाइक दिस. ए मॉलिक्यूल भी सेम है, इस विच हम की है फाइव कार्बन हैं, इट इज दी राइबोस. ए राइबोस है इस विच फाइव कार्बन हैं, ठीक है. अगर फाइव कार्बन है इट मीन्स इट इज ठीक है, फाइव कार्बन है तो ये राइबोस है. तो जो अपने ग्लूकोज थी उसमें सिक्स कार्बन होते हैं, ठीक है. तो राइबोस के बीच भी हूँ, राइबोस तो अरेबिनोज द सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ की डिफरेंस है कि दोनों दे ही सेकेंड जो कार्बन है इस दे अराउंड कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है दोनों मॉलिक्यूल्स की. दैट इज राइबोस एंड अरेबिनोस जो हैं दीज आर ऑल्सो एपिमर्स, एंड दीज आर सी टू एपिमर्स. मीन्स इस विच भी जो कॉन्फिगरेशन है अराउंड सेकेंड कार्बन ही डिफरेंट है, ठीक. उसी तरीके नाल सी थ्री आइसोमर एपिमर्स मीन्स जिस दो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली सेम है पर उसकी कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है अराउंड थर्ड कार्बन. दैट इज इस कार्बन दे अराउंड दोनों की कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है, इस विच OH राइट साइड से इस विच ए लेफ्ट साइड से है, बाकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज एग्जैक्टली सेम. सो दीज आर एपिमर्स, दीज आर सी टू एपिमर्स मीन्स कॉन्फिगरेशन अराउंड सेकेंड कार्बन इज डिफरेंट, एंड इन दिस कॉन्फिगरेशन अराउंड द थर्ड कार्बन इज डिफरेंट. तो इजिली असी एपिमर्स जो है डिफाइन कर सकते हैं, असं कोई भी एग्जाम्पल देना होगी तो असं एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है. तो इस विच जो साढ़े को छह कार्बन हैं एंड इट इज डी आइडोस ए डी टेलोस. तो ये जो है तो छह कार्बन हैं पर इस विच इट इज अ नाम डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसकी जो बाकी जो एटम्स है उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है एज कंपेयर टू ग्लूकोज. सो दीज आर एपिमर्स. नेक्स्ट इज डी एंड एल नोटेशंस. डी एल एल नोटेशन आप कर चुके हैं पहला, तो इस विच एक असी रेफरेंस कंपाउंड लेने हैं, केड़ा रेफरेंस कंपाउंड केड़ा लिया जाता है तो अस मैम ग्लिसरेल्डिहाइड. हाँ ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड टेकन एज अ रेफरेंस कंपाउंड. तो उस विच असी यही किया कि जो ग्लिसरेल्डिहाइड होंगे अगर उस राइट साइड साढ़े को ओएच ग्रुप होंगे दैन इट इज डी कॉन्फिगरेशन. इफ OH group is present on the left side and then it is L. But केड़े कार्बन की असं कंपेयर कर रहे होंगे दैट इज हाईएसट नंबर कायरल कार्बन आइटम. मीनस कि असं इस जब नंबर ही देवे कार्बन चेन तो यह साढ़े को हो गया फस्ट कार्बन, दैन इट इज सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इट इज फिफ्थ कार्बन, ठीक है. तो जो फिफ्थ कार्बन है पहले तो अगर सैकेंड कार्बन देखिए ये भी कायरल है, ठीक है. इसे भी चारों कुछ डिफरेंट अटैच है, एक साइड ओ एच है, एक साइड एच है, एक साइड आ ग्रुप है, एक साइड बाकी का ग्रुप है, ठीक. जो थर्ड कार्बन है ये भी कायरल है, फोर्थ भी कायरल है, फिफ्थ भी कायरल है. पर हम असी केड़े कार्बन की कॉन्फिगरेशन देखनी है डी एल एल नोटेशन लिए, एंड दैट इज हाईएसट नंबर. हाईएसट नंबर इस केड़ा होया फिफ्थ, ठीक है. फिफ्थ इज हाईएसट नंबर तो इसकी असी कॉन्फिगरेशन देखनी है. तो इस जो ओ एच ग्रुप है इट इज़ प्रजेंट ऑन द राइट साइड, सो इट इज डी. तो इस जो मॉलिक्यूल है इसकी डी कॉन्फिग्रेशन है. इस जो मॉलिक्यूल है इट इज गैलेक्टोज, पर इसकी जो कॉन्फिग्रेशन है दैट इज डी. सिमिलरली इस अगर असं देख रहे हैं तो हाईएस्ट नंबर कार्बन आइटम कायरल कार्बन आइटम यही है, तो इस
OH group is present on the left side. अगर left side से present है then it is L galactose. तो असी किसी भी मॉलिक्यूल की कॉन्फिगरेशन जो है वो असी दे सकते हैं. उसे जैसे रेफरेंस कंपाउंड ग्लिसरेलिहाइड लिया हुआ है, असं पहला भी किया है जो असं फर्स्ट ईयर के आर एन एस कॉन्फिगरेशन करते हैं तो उसी असी डी एल एल नोटेशन भी करते हैं. ठीक है, पर असी इतने डिटेल कर रहे हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स. तो किसी भी मोनोसैक्राइड यूनिट में जो है डी एल एल नोटेशन दिखती जा सकती है. ठीक है, ये अलग गल है कि जो नेम्स हैं अगर नहीं भी याद तो असं जस्ट नोटेशन देनी है तो असं ईजीली उसमें असाइन कर सकते हैं कंपेयरिंग दी कॉन्फिगरेशन एट दी हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन एटम. ठीक, सिमिलरली असं कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अगर. ठीक है, इसलिए असी डी ग्लिसरेल्डिहाइड भी शो किया विच इज टेकन एज अ रेफरेंस कंपाउंड. हूँ इस तीन कार्बन से, अगर चार कार्बन हैं उस एरीथ्रोज है, अगर एंड थ्रीओज इस फोर कार्बन होंगे हैं. ठीक है, दैन फरदर अगर फाइव कार्बन हैं तो उसका नाम राइबोस है या रेबिनोज हो सकता है. इस विच फिर फाइव कार्बन हैं तो जाइलोस हो सकता है या लाइफ एक्सोस हो सकता है. एंड देन इस उसमें फर्दर असं करते हैं छः कार्बन, तो अगर ए वाली कॉन्फिगरेशन है इट इज एलोस, अगर ए कॉन्फिगरेशन है तो एल्ट्रोस, अगर साढ़े को कॉन्फिगरेशन है जो कि असी ऑलरेडी कितनी भी हुई है दैन इट इज ग्लूकोज. ए जो है असं ग्लूकोज में डिटेल करना है, दैन आप मैनोस सिर्फ इको ही कार्बन अराउंड यदि कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होंगी दोनों ग्लूकोज से मैनोस की. ठीक, बाकी साढ़े को कुछ मोनोसैक्राइड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड देयर कॉन्फिगरेशंस. ठीक, तो हम साढ़े को जो है असं ये सारे याद नहीं करने, असं इस सिर्फ ये देखना सब तो पहला था कि जो असं कॉन्फिगरेशंस हैं अगर साढ़े को एग्जाम्पल्स होंगे तो असं इसमें अजाइन कर सकेंगे कि नहीं. ठीक, तो हम साढ़े को एग्जाम्पल है फर्स्ट इस, तो इस जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इस साढ़े को फोर कार्बन हैं पर हाईएस्ट नंबर कार्बन के दिस कार्बन एंड इस कार्बन के जो साढ़े को OH ग्रुप है इट इज़ ऑन दी राइट साइड दैन इट इज़ डी. ठीक है, इसकी कॉन्फिगरेशन डी है. एंड दूसरी साइड इस ए जो कार्बन है हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन इस अगेन राइट साइड से है दैन इट इज़ अगेन डी. ठीक है, तो असं ईजीली किसी भी मॉलीक्यूल में असाइन कर सकते हैं ये डी है या एल है. उसी तरीके हम राइबोस के इस कार्बन के फिर अगेन राइट साइड से इट इज़ डी एंड दिस ऑलसो ऑन राइट साइड इट इज़ डी. रेबिनोस राइबोस एंड रेबिनोस एंड इन दिस ऑल्सो दिस कार्बन हैज ऑन राइट साइड सो इट इज़ डी. इन दिस इट इज़ ऑन दी राइट साइड इट इज़ अगेन डी. So, all these monosaccharides have deconfiguration because the highest chiral carbon atoms have OH group on the right side. ठीक है, बाकी configuration असी कोई भी नहीं देखते, सिर्फ असी highest chiral carbon atom ही देखते हैं. ठीक है, बाई बाकी कोई भी कार्बन की कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है, कुछ configuration हो सकती है, बट सिर्फ असाइन करने लिए असी यही कार्बन जो है उसको असी देख रहे होंगे. ठीक है, तो ये से अपने स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स. हूँ इस असी करना की है, अभी दो तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो असी डिटेल्स करनी है, डिटेल्स नहीं करनी मीन सिर्फ स्ट्रक्चर्स करने हैं उन्होंने. ठीक है, तो एक असी करना है एरीथ्रोस, एक असी करना है थ्रीओस. तो इसलिए डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स पूछे आ सकते हैं राइट स्ट्रक्चर ऑफ एरीथ्रोस और स्ट्रक्चर ऑफ थ्रीओस एंड उस तरीके एक राइबोस. ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर्स करने हैं एंड असी ग्लूकोज ते मैनोस ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक, तो असी एनेक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिटेल करने हैं. इस विच फ्रक्टोज नहीं है, फ्रक्टोज क्यों नहीं है कोई दस सकता है? ये सारे जो फॉर्मुलेज हैं इस फ्रक्टोज नहीं है क्यों? हाँ शुभम मैम, और जो ऊपर सी एच टू ओ एच होंगे सारे सी एच ओ है, ये सारे एल्डोसेस हैं
वो किटोसिस कोई नहीं है, कीटोन ग्रुप किसी च नहीं है, सारे हाइड्रोक्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है तो हम असं इस एग्जाम्पल्स जो स्ट्रक्चर्स करने हैं सिर्फ वो करना है एरीथ्रोज का, थ्रीओज का, राइबोस, ग्लूकोज ते मैनोस से ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है बाकी असी कोई स्ट्रक्चर्स नहीं करने हैं एज सच, सिर्फ आही स्ट्रक्चर्स जो हैं डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है उस तो बाद असी इस करना है वट आर एरीथ्रोज, वट आर एरीथ्रोज ये एग्जाम्पल ये पूरा मॉलीक्यूल है ना डी एरीथ्रोज, वैसे एरीथ्रोज की होंगे हैं वट आर एरीथ्रोज। ठीक है मीन एरीथ्रोज उस मॉलीक्यूल्स में क्या जानता है जिस विच ऑल दी ओ एच ग्रुप्स आर ऑन दी राइट साइड, ऑल दी ओ एच ग्रुप्स आर ऑन दी राइट साइड देन दैट आर एरीथ्रोज आइसोमर्स, एरीथ्रोज आइसोमर्स। इफ ओ एच ग्रुप्स ऑन दी आर ऑन दी डिफरेंट साइड्स देन दीज आर थ्रीओज आइसोमर्स। ठीक है ये भी एक डेफिनेशन हैं एरीथ्रोज एरीथ्रो आइसोमर्स की होंगे हैं या थ्रीओ आइसोमर्स की होंगे हैं। ठीक है एरीथ्रो आइसोमर्स मतलब जब असं उसकी गल करते हैं तो असी एस ई जो है वो स्किप कर देते हैं। ठीक है एरीथ्रो आइसोमर्स की हैं वॉट आर एरीथ्रो आइसोमर्स एंड वॉट आर थ्री थ्रीओज आइसोमर्स तो उस असी एस ई में असं स्किप कर देते हैं। ठीक है तो एरीथ्रो आइसोमर्स आर दैट आइसोमर्स इन विच ऑल दी ओ एच ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड एंड थ्रीओ आइसोमर्स आर दैट आइसोमर्स इन विच ओ एच आर ऑन द डिफरेंट साइड्स, सारे एक साइड से नहीं होंगे। ठीक है अगर दो है तो तीसरा शायद ना हो तो उसी उसमें एरीथ्रो आइसोमर्स कहने हैं या थ्रीओ आइसोमर्स करने हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल है एरीथ्रोज, ये एरीथ्रोज शो किया हुआ है, ये थ्रीओज एग्जाम्पल शो किया हुआ। ठीक है तो ये किसी डी एल एल नोटेशन DLL notations लिए असं रेफरेंस कंपाउंड जो है डी ग्लिसराइड यूज करते हैं, ग्लिसराइड यूज करते हैं एक्चुअली एंड इस विच साढ़े को डी ग्लिसराइड है मीन ऑलरेडी इस विच भी जो है ओ एच ग्रुप ऑन द राइट साइड है। इस पर्टिकुलर कुछ काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं उस सारे असं सिर्फ हाईएस्ट कायरल कार्बोनेटम की कॉन्फिगरेशन देखी है उसके साथ सारे जो है डी मॉलिक्यूल्स वो डी नोटेशंस हैं। ठीक है एंड असं ये तीन चार जो है स्ट्रक्चर्स करने हैं ऐसे पूछे जा सकते हैं एंड दैन द डेफिनेशंस ऑफ एरीथ्रोआइसोमर्स एंड थ्रीओआइसोमर्स एंड दैन राइबोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैनोस। नेक्स्ट इज एज वी ऑलरेडी नो ग्लूकोज हैज टू स्ट्रक्चर्स अल्फा साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड बीटा साइक्लिक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर्स हैं एक अल्फा स्ट्रक्चर है साइक्लिक एक बीटा स्ट्रक्चर है। ठीक है ये आप ऑलरेडी किया हुआ है हूँ इस असं ये देखना है कि जो असं स्ट्रक्चर्स करते हैं तो ये असं ये भी किया हुआ कि फिशर स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करा तो इस तरीके का होएगा, अगर बीटा स्ट्रक्चर फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रक्चर होगा तो ये साढ़े को हैवर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है हैवर प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज हैं इस दे विच असी सिर्फ आही स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं क्यों पहला भी मैं दसिया कोई भी दस सकता है वाई ओनली दिस शेयर कन्फर्मेशन इज ड्रॉन फॉर एल्फा एंड बीटा आइसोमर्स, वाई ओनली शेयर कन्फर्मेशन इज ड्रॉन फॉर ग्लूकोज। मैम कल तुम दसिया कि सब तो ज्यादा स्टेबल होंगे पर हाँ हाँ जी रिपीट करो बेटा एक एक मिनट। मैम कल तुम क्या कि सब तो ज्यादा स्टेबल होंगे वाली कन्फर्मेशन। हाँ ठीक तो जो ग्लूकोज है इसी जिस तरीके से साइक्लोहेक्सेन की डिफरेंट कन्फर्मेशन लिखते हैं चेयर बोर्ड ट्विस्ट बोर्ड हाफ चेयर उसी तरीके ग्लूकोज में भी चार छे एटम्स है रिंग के तो इसलिए भी डिफरेंट कन्फर्मेशन लिखी जा सकती हैं पर जो चेयर कन्फर्मेशन है सब तो ज़्यादा स्टेबल होती है तो असं इसकी चेयर कन्फर्मेशन लिखते हैं। हूँ असं इतने चेयर कन्फर्मेशन क्यों शो की है क्योंकि असं इसते कुछ रिएक्शन करने हैं ग्लूकोज के साइक्लिक रिंग के जिस दे विच असं सिर्फ चेयर कन्फर्मेशन ही ड्रॉ करा इस तो असं अगर रिएक्शन करा। ठीक है हम चेयर कन्फर्मेशन दे विच ए अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज है ये असं सिर्फ शो कर सकते हैं फ्रॉम the position of this OH. If it is on the lower side then it is alpha, if it is on the upper side
that is, then if it is on the upper side then it is beta. Or you can say हर जो कार्बन है उसकी दो पोजीशंस होती हैं, ठीक है, रिंग दे दो पोजीशंस होती हैं, एक एक्चुअल पोजीशन होती है इक्विटोरियल, एक एक्चुअल पोजीशन होती है, दूसरी जो प्रेजेंट है तो OH, देन अल्फा, अगर इक्विटोरियल पोजीशन से प्रेजेंट है देन इट इज बीटा, ठीक है, देन अपन स्टार्ट कर दें रिएक्शंस. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स. व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स? फर्स्ट ग्लाइकोसाइड्स आर these are cyclic acetals or ketals obtained from monosaccharides on treatment with suitable alcohol in the presence of dry HCl gas. So dry HCl gas in presence de vich je assi glucose nu alcohol na treat karde hain ta sanu jo product milda hai that is glucoside, then it is glucoside, theek hai, jo bhi sanu product milda hai hunda usnu assi glucoside kehnde hain. एंड इस जो बॉन्ड प्रेजेंट है इट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. तो हम इस की फर्क है मेन कि जो अं अल्कोहल ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिड गैस तो OH ग्रुप्स तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है, बस जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन का जो जो फर्स्ट कार्बन है इसमें अं एपीमर भी कहने हैं क्योंकि इससे कार्बन के अराउंड पोजिशन डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट हैं, बाकी सारे ही अरेंजमेंट सेम है. पर इसके अराउंड जो भी OH ग्रुप प्रेजेंट है उसका ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है विद इथाइल ग्रुप, ठीक है, तो OH ग्रुप तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं पर जो सिर्फ इस कार्बन पे प्रेजेंट है जो कि अल्फा एंड बीटा जो डिफ्रेंशिएट करती है कॉन्फिग्रेशन उसी का जो OH ग्रुप है वही हाइड्रोजन जस्ट रिप्लेस होता है विद अल्काइल ग्रुप, देन इट इज ग्लूकोसाइड और ग्लाइकोसाइड भी कह सकते हैं, ठीक है. तो ग्लूकोसाइड ये जो आइसोमर है इस वजह से बीटा लिया है, बीटा दे विच क्योंकि जब OH ग्रुप इक्विटोरियल पोजिशन से प्रेजेंट है तो ये दूसरे OH ग्रुप से दूर हो जाता है तो ये उस तो भी ज़्यादा स्टेबल है अल्फा नालों, तो सर्ची लिया है बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज विच OH ग्रुप जो है वो दूसरे नियर नियर OH ग्रुप जो प्रेजेंट है उसको थोड़े डिस्टेंस से हो जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट इज OH ग्रुप इफ प्रेजेंट एट द इक्विटोरियल पोजीशन दैट इज मोर स्टेबल. अगर इक्विटोरियल प्रेजेंट इट इज बीटा तो बीटा जो डी ग्लूकोज है वो अल्फा नालों ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है. तो इस जैसे अल्कोहल से ड्राई एसिड गैस में ट्रीट किया तो सिर्फ AH जो टेस्ट हो गया विद इथाइल ग्रुप बिकॉज साढ़े को इथाइल अल्कोहल से अगर इतनी मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होगी तो यह साढ़े को मिथाइल ग्रुप आ जाता, ठीक है, इन दी इन दैट केस साढ़े को मिथाइल ग्लाइकोसाइड फॉर्म हो जाता, ठीक. तो इसके विच साढ़े को इथाइल ग्रुप है, इट इज इथाइल एज अ प्रीफिक्स आ गया, इथाइल बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोसाइड हो गया, ठीक. अगर साढ़े को मिथाइल ग्रुप होंगे दैन इट इज मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड. एंड जो साढ़े को थोड़ा प्रोडक्ट है वो दूसरा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा होता है जिस OH ग्रुप ऑन दी लो साइड है दैट इज इट इज एल्फा, सो इट इज इथाइल एल्फा डी ग्लूकोसाइड, ठीक है. तो व्हाट आर ग्लूकोसाइड्स? ए भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एज डायरेक्टली कि व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स और व्हाट आर ग्लूकोसाइड्स राइट रिएक्शंस. तो इट इज दीज आर दी साइक्लिक एसिड्स और साइक्लिक कैटल्स, ठीक है, जो सन ऑप्टेन होंगे हैं व्हेन इसमें असी ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में ट्रीट कर रहे हैं विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl. इफ इट इज इथाइल अल्कोहल तो साढ़े को इथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड है, अगर साढ़े को मिथाइल अल्कोहल होंगी तो मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड प्रेजेंट होंगे. सो नेक्स्ट इज formation of esters. So next is formation of esters, that is OH groups of monosaccharides show the chemistry of typical alcohols. The esters jo hain, esters means COOR group, theek hai, to isme sade kol jitne bhi HH present hain OH groups hain jitne bhi OH hain to sare jo H groups hain wo sade kol acetate na replace ho jande hain agar sare OH H hydrogens
एसीटेट ग्रुप में रिप्लेस हो जाते हैं, सानू मिलते हैं एस्टर्स। ठीक है, वैसे भी सानू पता है इट इज सी ओ ओ आर, ये साढ़े को एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो साढ़े को ओ ऑलरेडी है, ओ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बाकी साढ़े को जो है सी ओ आर ग्रुप। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो ओ एच है, ओ ए वाले रिटेन हो जाते हैं, सी ओ आर ग्रुप अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज अगर अभी इसमें ट्रीट करते हैं ग्लूकोज विद, इतने अगेन असं बीटा लिया है। ठीक है, बीटा इज मोर स्टेबल, सो इसमें अभी ट्रीट करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड विद एसीटेट ग्रुप्स और एसिटाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 कोच ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव एसिटेट ग्रुप्स आ गए, दैट इज पेंटा ओ एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोज, ओ एसिटाइल क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है। ठीक है, पेंटा ओ एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोज, सो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स और इट इज एसाइलेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तक किस तरीके से एसाइलेशन करनी है, एस्टर्स फॉर्म करनी है, मोनोसेक्राइड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन एंड वी गेट पेंटा ओ एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोज। देन सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ ethers, formation of ethers means H is replaced with alkyl group, जो H है वो साढ़े को अगर मिथाइल ग्रुप में रिप्लेस हो जाता है तो सानू मिलते हैं ethers। जिस तरीके ना सिंपल करते हैं आर ओ आर होंगे, आर जैसे साढ़े को ये सारी रिंग है एक तरीके ना ओ आर। ठीक है, बाकी जो H है ये सी alkyl group ना रिप्लेस कर देने हैं, दैट इज वेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, उस केस के सारे जो हाइड्रोजन हैं दे आर रिप्लेस्ड विद एल्काइल ग्रुप्स, केड़ा एल्काइल ग्रुप जो भी साढ़े को इतने एल्काइल ग्रुप हो तो। ठीक है, दैट इज ऑल हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड विद मिथाइल ग्रुप, सो इट इज मिथाइल टेट्रा ओ मिथाइल ग्लूकोसाइड। ठीक है, तो हम साढ़े को असं पेंटा क्यों नहीं लिखा, इसमें कोई भी पेंटा क्यों नहीं लिखा, इस विच पेंटा क्योंकि असं जिस तरीके ना असं पहला इतने कर चुके हैं ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड फॉर्म हो रहा है तो ग्लूकोसाइड उस टाइम फॉर्म होता है जब कोई एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वो असं कंसीडर कर लिया एक। ठीक है, ये जो एक जो आ वाला मिथाइल ग्रुप है इसमें असी ग्लूकोसाइड कंसीडर किया तो मिथाइल इसके अगे आ गया, सॉरी आ वाला जो मिथाइल है ये आ गया साढ़े को अगे आ गया। ठीक है, आ वाला जो मिसाइल ग्रुप है ये अगे आ गया एज अ प्रीफिक्स जिमें असं पहला ग्लूकोसाइड के लिखते हैं। ठीक है, इस तुम इलावा फिर किन्ने रह गए साढ़े को मिसाइल ग्रुप चार रह गए, दैट इट इज़ टैट्रा, बाकी सारे ओ दे थ्रू अटैच है टैट्रा ओ मिथाइल। ठीक है, टैट्रा ओ मिथाइल बाकी सारे जो हैं उस ही है एंड इसलिए असं इसमें विच इंक्लूड कर लिया, इट इज मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, सो इट इज मिथाइल टैट्रा ओ मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। और जनरली जो असी ये रिएक्शन है, रिएक्शन असी की करते हैं जनरली असी इसमें पहला ही CH3 ले लेते हैं। ठीक है, तो जो असी रिएक्शन करते हैं जनरली पहला भी इतने साढ़े को जो आप रिएक्शन लिखे तो असी पहला ही इस विच चाहे मिथाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज मिथाइल ग्लूकोसाइड हो जूगा। ठीक है, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड एंड व्हेन इट इज टुगेदर विद मिथाइल आयोडाइड एंड सिल्वर ऑक्साइड देन दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म, और वी कैन डायरेक्टली राइट बीटा डी ग्लूकोज विद दिस गिव्स मिथाइल टेट्रा ओ मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। दिस इज ऑल अबाउट मोनोसेक्राइड्स, मतलब जो मोनोसेक्राइड सी वो असी कितने हैं उस ग्लूकोज रिटेन किया है, बाकी अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कितने हैं, बाकी कॉन्फिगरेशन कितनी हैं, बाकी असं कुछ रिएक्शन कितने हैं, कुछ इंटर कन्वर्शन कितनी हैं। ठीक है, इस नाल अपना जो मेन
मोनोसैक्राइड्स है वो खत्म हो गए, नेक्स्ट आप स्टार्ट करा विद डाइसैक्राइड्स, इतने पर स्क्रीन स्टॉप कर लेनी है।